अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी वेबसाइट में अपना सिलेबस जो है रीअनाउंस किया है। पीएमसी का सिलेबस, पीएमसी ने अपना नया सिलेबस रीअनाउंस किया है एमडीकैट के स्टूडेंट्स के लिए। आप पीएमसी की वेबसाइट में जाएं, पीएमसी के वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आपको शोर होगा कि पब्लिक अनाउंसमेंट एमडीकैट करिकुलम 2022। आप इसमें क्लिक करें तो आप खुल जाएगा और आपके सामने ये पूरा सिलेबस इस तरह से आ जाएगा। जो सिलेबस गो थ्रू करने के बाद ये बात हमें पता चलती है कि जो हमारे पास रिपीटर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा चेंजिंग उसमें नहीं है। तकरीबन सिलेबस जो है वो वही सिलेबस है जो कि पिछले साल था, बल्कि कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एमडीकैट क्राइटेरिया जो दिया गया है उसके हवाले से टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज हमारे पास 200 हैं, और जबकि एमडीकैट का ड्यूरेशन हमारे पास उतना ही है। पिछले साल हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो 210 थे, जबकि हमारे पास टाइम हमारे पास इतना ही था, 3.5 घंटे। तो इस हिसाब से हमारे पास पर एमसीक्यूज 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बनता है, और कंप्यूटर बेस्ड ही एमसीक्यूज हमारे पास होंगे। और मिनिमम मार्क्स हमारे पास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 65% होना चाहिए, यानी कि हमें पासिंग मार्क्स हमारे पास 200 में से हमें 130 मार्क्स अगर हमारे हों तो हम एलिजिबल हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकें एमबीबीएस के लिए। और बीडीएस के लिए हमारे पास 55% क्राइटेरिया है, यानी कि 110 नंबर हमें चाहिए, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जबकि हम बात कर लेते हैं अगर सब्जेक्ट्स की, हम बात करें सब्जेक्ट वाइज हमारे पास परसेंटेज की, तो बायोलॉजी की परसेंटेज हमारे पास 34% है, जबकि इसके नंबर ऑफ़ एमसीक्यू 68 हैं। केमिस्ट्री की परसेंटेज 27% है और इसके एमसीक्यूज 54 हैं, और फिज़िक्स के भी 54 एमसीक्यूज हैं। इंग्लिश की परसेंटेज 9% है और इसके एमसीक्यूज 18 हैं। लास्ट टाइम हमारे पास इसकी इंग्लिश की परसेंटेज 10% थी और इसके एमसीक्यूज 20 थे, जबकि लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास 5% था और इसके एमसीक्यूज 10 थे। इस दफ़ा 3% लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज है और इसके एमसीक्यूज 6 हैं, जबकि हमारे पास टोटल एमसीक्यूज 2 है। अब इसके बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो हमारे पास 20 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो इजी आएंगे, यानी कि वो बहुत इजी होंगे, यानी कि 40 एमसीक्यूज 20% मतलब कि 40 एमसीक्यूज इजी होंगे, और 60% एमसीक्यूज जो है वो मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि 120 एमसीक्यूज मॉडरेट लेवल के होंगे। और फिर उसके बाद हार्ड एमसीक्यूज हमारे पास थोड़े से मुश्किल एमसीक्यूज वो हमारे पास 20% है, यानी कि 40%। तो यानी कि ना बहुत आसान पेपर हमारे पास ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज हमारे पास ज़्यादा हैं, बल्कि जो दरमियाने लेवल के जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास ज़्यादा तादाद में हैं। तो इस लिहाज से आप एमडीकैट की तैयारी को अपने जहन में रख के कर सकते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। और इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि इन बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेशन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल, यानी कि तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें से जो 70% एमसीक्यूज हैं वो रिकॉल बेसिस होंगे, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी में से आएंगे और आपकी टेक्स्ट बुक्स की लाइन्स मतलब होंगी। और जो 30% है वो एप्लीकेशन लेवल, यानी कि उसमें आपका कंसेप्ट चेक करना होगा। तो ये हमारे पास, और आपने इस सिलेबस को पूरे अच्छे से गो थ्रू करना है और आपने इसी सिलेबस के मुताबिक अपनी पूरी तैयारी करनी है।